नंबर वन चैनल जी राजस्थान पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और आज है अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज। आज प्रदेश भर में शादियां होंगी और अक्षय तृतीया पर राजस्थान में बाल विवाह भी बहुत होते हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बच्चों का विवाह करवा दिया जाता है, वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं होती। आज प्रदेश में अक्षय तृतीया का अबूझ सावा है और इस दिन बाल विवाह होने की शिकायतें आती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरपंच और पंच की जिम्मेदारी तय की है। अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और सभी जिला कलेक्टर्स को भेजने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अगर कहीं पर भी बाल विवाह होते हैं, अगर आपके एरिया के आसपास, अगर आपके इलाके में कहीं भी 18 साल से कम उम्र की बेटी और 21 साल से कम उम्र के बेटे की शादी होती है, तो इसके लिए सरपंच और पंच जिम्मेदार होंगे। उस गांव के पंच और सरपंच की यह जिम्मेदारी होगी कि गांव में कोई भी बाल विवाह न करवाए। ऐसे में एक्शन पंच और सरपंच पर भी होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। बाल विवाह पर आज पैनी नजर रहने वाली है पुलिस प्रशासन की। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 और आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और कलेक्टर्स को भेज दी गई है, ताकि जितने भी कलेक्टर्स हैं वो पंच सरपंचों तक ये संदेश पहुंचा दें कि अब अगर आपके गांव में बाल विवाह होता है, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी अगर होती है, तो ऐसे में आने वाले समय में उन पंचों पर और सरपंचों पर भी कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी उनकी भी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है राजस्थान हाईकोर्ट की, क्योंकि देखिए जहाँ भी बाल विवाह होते हैं गाँव में और वहाँ पे जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि होते हैं उनको कहीं ना कहीं सूचना होती है, उनको पता होता है, क्योंकि छोटा एरिया होता है तो उनको सब आपस में इंफॉर्मेशन होती है। जब तक किसी को उसके ये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा बाल विवाह नहीं रुकेंगे, और ये बहुत ही अच्छी पहल है माननीय न्यायालय द्वारा, जिससे कि सबकी जिम्मेदारी तय होगी